रिलेशनशिप के नाम पे गलत तस्वीरों का आदान प्रदान करने को कहते हैं। शुरू में उनको लगता है ये तो सब वर्चुअल है, मुझे तो फिजिकली आपने टच ही नहीं किया, आप तो कहीं और हूँ, मैं कहीं और हूँ, आपने तो सिर्फ अपना फेस छुपा के कुछ गलत सा भेज दिया। लेकिन बाद में फिर वो एक्सप्लॉयटेशन, ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन, और आज वो इंटरनेट पे 18 प्लस वाला कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, गेम खेल रहा है, वहां पे एडल्ट लोगों के साथ खेल रहा है और वो खुद बच्चा अभी 8 या 9 साल का है। ऐसी कोई तस्वीर जिसमें बॉडी का प्राइवेट पार्ट दिख रहा हो बिना कंसेंट, तो आपको 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना है। तो तीनों को है, खींचने वाले को, डालने वाले को और फॉरवर्ड करने वाले को। 4 दिन पहले हाथ जोड़ के ये रील डाली है, इस तरह से पापा के दोस्त के नाम से कॉल आएगा, नकली स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि उनको 15 देने थे, पहले 10 दिए तुम्हें, 5 की जगह 50 दब गया मेरे से गलती से बेटा, और वो स्क्रीनशॉट भी फेक होगा और लगेगा बिल्कुल ओरिजिनल जैसे बैंक से आता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफी टॉक्स। मैं हूँ राव्या सारडा और आज का हमारा एपिसोड बेस्ड है ऑन साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की दुनिया में क्या हो रहा है, ऑनलाइन इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं, बच्चों के साथ साइबर बुलिंग हो रही है। सो बेसिकली दिस एपिसोड इज डेडिकेटेड टू चिल्ड्रन, सो पेरेंट्स को बड़ा मजा आएगा और काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस एपिसोड में। आज के हमारे एपिसोड में जुड़े हैं हमारे साथ रक्षित टंडन जी, जो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, ही इज एन इन्वेस्टिगेटर इनटू साइबर क्राइम्स, और जहां पर हम साइबर बुलिंग, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम की बात करते हैं, ही इज द वन, ही इज द गो टू पर्सन। एक ये एडवाइजरी भी है वेयर ही हेल्प्स ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑल्सो। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और आपकी पॉडकास्ट देखते रहते हैं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और उससे काफी लोगों को बहुत हेल्प भी मिल रही है। सर, आज का जो हमारा टॉपिक है, सो द टॉपिक इज ऑन साइबर बुलिंग एंड साइबर क्राइम, और ये बच्चों के बीच जो गेम्स का एडिक्शन है, द टॉपिक इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ दिस। So what is happening in the world right now? जब हम बात करते हैं, बच्चे addicted हैं games को लेकर, parents परेशान हैं, so if you shed some light। देखिए, मैं 2008 से स्कूलों में बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट होता था सेफ सर्फिंग, जो अब आगे बढ़ के साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी तक पहुँच गया है जी। और मैंने पूरा ट्रांजिशन देखा है अभी तक 2008 से 2023 के बीच में। अभी भी मैं कंटिन्यूसली टाइम निकाल के स्कूल्स और कॉलेज में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। अब तो बल्कि सारे स्टेक होल्डर्स से बात करता हूँ, पेरेंट्स से, टीचर्स से। तो अगर हम अभी करंट लैंडस्केप की बात करें, तो पोस्ट कोविड, स्पेशली ये जो 2 साल 1.5 साल कोविड का समय आया, जिसमें बच्चों को ऑनलाइन स्कूल अटेंड करना पड़ा, घर में बंद रहना पड़ा, क्वारंटाइन थे, बाहर बच्चे खेलने नहीं जा सकते थे, साइकिल नहीं चला सकते थे, स्विमिंग नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए वो पूरी दुनिया उनकी मोबाइल में आ गई। और उसी में, उसी दौरान हमने क्या देखा कि वो एक तो स्कूल से डिस्कनेक्ट हो गए, डिसिप्लिन से डिस्कनेक्ट हो गए, और वो माहौल भी बहुत ख़राब था। कई घरों में, कई परिवारों में बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी हुई कोविड को लेके, डर था, फियर था। बच्चे बच्चे होते हैं, उनके लिए तो वो एक बहुत अच्छा एस्केप रूट था, कि उस समय उनकी तो पढ़ाई भी ऑनलाइन थी। तो वहाँ से एक हमने देखा कि एडिक्शन टाइप का शुरू हुआ। और अब तो खैर स्थिति ये है कि 2 चीज़ों से मैं जब जाता हूँ स्कूलों में बच्चों के साथ, 2 इश्यूज़ जो मुझे ऑन ग्राउंड सबसे ज़्यादा स्कैरी लगते हैं, वो है एक सोशल मीडिया का एडिक्शन, और सोशल मीडिया के एडिक्शन से ज़्यादा कंजम्पशन, जो डिजिटल डाइट, ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ कि जो वो डिजिटल डाइट कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब माँ बाप बड़ा ध्यान रखते हैं अपने बच्चे का, क्या खिलाना है क्या खिलाना है, लेकिन जैसे ही डिजिटल डाइट की बात आती है, वहाँ तो कोई फिल्टर ही नहीं है, वहाँ तो कोई रोक टोक नहीं है, हर तरह का वीडियो देख रहे हैं, वॉयलेंट भी, अग्रेसिव भी, ट्रोलिंग भी, बुलिंग भी, और वो जा रहा है अंदर, जा रहा है अंदर, जा रहा है। तो इट इज़ बेसिकली गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब उससे बच्चों के कैरेक्टर और पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं। तो एक थ्रेड तो सोशल मीडिया है, उस पर अनजान लोगों से दोस्ती करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ अपनी गलत तस्वीरें तक शेयर कर देते हैं बच्चे। इस लेवल की दोस्ती हो जाती है उनकी, उन्हें इतना ट्रस्ट कर लेते हैं। और ये तो बड़े लोगों में भी आप देख रहे हैं, जो मैं आजकल साइबर अपराध देख रहा हूँ कि साहब वो फ़ोन आया किसी ने कि आपका कोरियर आया है और उसमें कोई ड्रग्स निकली है, तो लोग
इतना डर जाते हैं उस कॉल पे कि अपना सारा पैसा गवा देते हैं उसमें, बड़े बड़े लोग इसमें फंस रहे हैं जी। तो आप सोचो बच्चा तो बच्चा होता है, अब बच्चा ऑनलाइन दोस्ती भी कर रहा है, अनजान लोगों से चैट भी कर रहा है, तो वहां खतरे बड़े। पीडोफाइल्स कहते हैं उन लोगों को, वो गंदे लोग जो मेरे बच्चों को टारगेट करते हैं, पीडोफाइल्स, प्रीडेटर्स भी नाम दिया गया है उनको। ये प्रीडेटर्स नॉर्मली ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं, गेम्स में, सोशल मीडिया में, जो आईडी बदल के बच्चों से दोस्ती कर लेते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनका मन लगा रहता है, और उसके बाद कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। तो एक सोशल मीडिया, और दूसरा पैरेलल में ये गेम्स, और ये गेम्स की तो एल्गोरिथम ही ऐसी बनाई जाती है कि वो इंगेज करे बच्चा, लेवल वन पे जाए, फिर लेवल टू पे जाए, लेवल थ्री पे। अब उसमें खतरा कब बढ़ा, जो गेम का कंटेंट है। अब गेम के कंटेंट में वो आपको सर्वाइवल दे रहे हैं, फिट वो फाइटिंग दे रहे हैं, तो उससे भी सिर्फ वॉयलेंट है, आपको सिर्फ मारना ही मारना है, मारना ही मारना है, आपको हर लेवल पे मारना है। तो एक तो वो वॉयलेंस से थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हुई, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एडिक्टिव हो गया गेम, गेम एडिक्शन। और प्लस उसमें हमने क्या एंगल देखा कि अब उस गेम में भी बुलिंग है कि अरे आपके पास तो ये बंदूक ही नहीं है, आप लेवल टू पे कैसे जाएंगे, आपने पास ये कपड़े नहीं है, आप पे वो स्किन होनी चाहिए स्पेशल, तब आप सेकंड लेवल पे, वरना आप कुछ आप जो खेल रहे हैं इसे मल्टीप्लेयर गेम खेलते हैं। अभी माँ बाप को पता है कि मेरा बेटा बी ब्लॉक वाले अरोरा साहब के बेटे के साथ खेल रहा है, लेकिन आज जब वो ऑनलाइन खेल रहा है तो मम्मी पापा को नहीं पता कि वो जो डेविल 360 नाम की आईडी है वो उसके पीछे बैठा कौन है, बट मेरा बच्चा खेल रहा है। दूसरा उसमें हमने देखा लोगों की जो वॉयलेंस और अग्रेसिव टोन है बात करने की, अगर आप कभी एक बच्चे को गेम खेलते सुने जी। देखें जो हेडफोन लगा के खेलते हैं, तो वो जो मारा पीटी वाले गेम्स होते हैं, अरे तू वहाँ भाग, तू वहाँ छुप जा, अरे उसको मार, अरे ये, और उसमें अब अब्यूजिव लैंग्वेज आ रही है। हम लोगों ने हमेशा अपने बच्चों को बचाया गंदी भाषा से, लेकिन अब जब वो सुबह से रात तक हेडफोन लगा के वो सुन रहे होते हैं, तो ये डिजिटल डाइट अंदर जारी होती है, और उसके बाद हम बड़े हैरान होते हैं जब हम अपने बच्चे के मुंह से कोई गलत शब्द सुन लेते हैं। तो ये एक कंसर्न है, और जो मेरा उससे भी बड़ा कंसर्न है, चलो गेम खेल रहे हैं, गेम खेलिए, एडिक्शन नहीं होना चाहिए, स्क्रीन टाइम कंट्रोल्ड होना चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानकार लोगों के साथ खेलो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अब मेरी प्रॉब्लम कब बढ़ी, जब मैंने चौथी कक्षा के बच्चे से सवाल पूछा कि बेटे आप कौन सा गेम खेलते हो, तो बोला साहब मैं एक सीओडी नाम का गेम खेलता हूँ। मैंने उसी समय ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे वो गेम ढूंढा उन्हीं के सामने, तो उसके नीचे लिखा था एज रेटिंग 17+। अब अगर 9 साल का बच्चा वो चीज कंज्यूम कर रहा है जो 17 साल से ऊपर के लिए, और मजे की बात यह है कि उनके पेरेंट्स को ये बात पता है, तो ये मेरे लिए थोड़ा स्कैरी है कि आप पेरेंट, एज अ पेरेंट मैं अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी नहीं चलाने देता, मैं अपने नाबालिग बच्चे को शादी.com पे नहीं जाने देता, और मैं अपने नाबालिग बच्चे को बार या ऐसी जगह पे नहीं जाने देता। क्यों? हमें कानून पता है, कायदे पता है, और उसके लिए ये रीजन सबसे बड़ा है, भले ही कानून कुछ भी हो, कि भाई मेरा बच्चा बच्चा है अभी, और आज वो इंटरनेट पे 18+ वाला कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, गेम खेल रहा है, वहां पे एडल्ट लोगों के साथ खेल रहा है, और वो खुद बच्चा अभी 8 या 9 साल का है। तो ये मेरा कंसर्न है। तो मेरी पेरेंट्स से ये उम्मीद रहती है कि जैसे असल जिंदगी में आप ख्याल रखते हैं कि बेटा प्रोटीन भी खा, कार्बोहाइड्रेट भी खा, ठीक है हफ्ते में एक दिन तू जंक फूड खा ले, लेकिन हफ्ते भर तुझे दाल रोटी सब्जी मिलनी चाहिए जिससे तेरी बॉडी हेल्दी रहे। इसी प्रकार से अगर माँ बाप इस पर भी ध्यान दे कि जो मेरा बच्चा ऑनलाइन खा रहा है वो सही एज का खा रहा है, टाइम उतना निर्धारित है, और उसका कहीं डिटॉक्स हो रहा है। देखो अब डिजिटल मैं कहूं कि छोड़ दो गलत है, पेरेंट्स कहें नहीं फोन नहीं देंगे, गेम मत खेलो, नहीं ये गलत है। डिजिटली अब हम कनेक्टेड हैं, अब हम उसके बिना रह नहीं सकते, लेकिन हाँ एक डिसिप्लिन चाहिए, एक डिटॉक्स चाहिए, जैसे कि 24 घंटे हेडफोन ना लगाएं, चार्जिंग पे मोबाइल लगा के ना यूज करें, रात में अंधेरे कमरे में मोबाइल का सेवन ना करें। ये छोटी छोटी बातें जिनको मैं एक शब्द बोल देता हूँ, साइबर हाइजीन, कि अब मेरा पोस्चर ठीक होना चाहिए जब मैं लैपटॉप पे बैठूं, मेरे घर के टीवी में, स्मार्ट टीवी में पेरेंटल कंट्रोल लगा हुआ है, मेरे घर में 12 साल के 2 बच्चे हैं, तो अमेजोन पे और नेटफ्लिक्स पे वही कंटेंट देखते हैं जो 12 वाले देख सकते हैं। अब मैं एडल्ट हूँ, मैं तो पापा हूँ और मम्मी हूँ, मैं तो एडल्ट प्रोग्राम भी देख सकता हूँ, तो मेरा प्रोफाइल अलग है और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो ये थोड़े थोड़े कंट्रोल्स लाने से, अच्छा देखिए पुलिसिंग नहीं करनी है, अगर आप बच्चों पे पुलिसिंग करोगे यहाँ मत जाओ वो जरूर जाएगा, आप अभी बच्चों को कहते हो उस पर्दे के पीछे मत देखना, थोड़ी देर में आप हटोगे वो देखेगा जरूर की पर्दे। तो बच्चों को समझाने का तरीका होता है सही और गलत का। तो जैसे मैंने उदाहरण में बच्चों से पूछा, मैंने बच्चों आप क्या रूल तोड़ते हो, बोले नहीं सर,
मैंने रूल तोड़ने से किसका नुकसान होता है, तो नहीं समझ में आया। मैंने उदाहरण दिया, मैंने बेटा एक रेड लाइट थी, क्या करना चाहिए? बोले रुकना चाहिए। मैं नहीं रुका, मैं तो निकल गया। बोले क्या होगा? बोले सर फाइन होगा। मैंने नहीं, फाइन नहीं होगा, वहां से जो बस आ रही होगी वो मुझे मार देगी टक्कर, मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। तो मैंने बताओ रूल तोड़ा? बोले हाँ सर। तो नुकसान किसका हुआ? बोले मेरा। तो मैंने बच्चों अगर आप रूल तोड़ोगे, अब आपने रूल तोड़ा, आपके लिए वहां लिखा था 17+, और आप अभी 11 साल के और आपने ये गेम डाउनलोड कर लिया, अरे क्या दिक्कत है, डाउनलोड करके खेल ही तो रहे, तो अब आपने रूल तोड़ दिया, तो इसका फ्यूचर में नुकसान किसे होगा? बोले हमें होगा। मैंने समझ में आ गया? बोले हाँ सर। सो आई थिंक वी नीड टू एजुकेट चिल्ड्रन रादर देन बिकमिंग अ पुलिस की ये मत करो ये मत करो। एक चीज हाँ, एडिक्शन को कंट्रोल करने का तरीका होता है स्क्रीन टाइम और डिटॉक्स। अब ये डिटॉक्स का क्या तरीका है, आप बच्चे के साथ, मेरे पास एक दो केसेस आए भी हैं कि साहब हमारा बच्चा एडिक्ट हो गया है, गेम छोड़ता ही नहीं है। मैंने उदाहरण दिया, मैंने गोदी में एक छोटा बच्चा लिया, उसने मेरी जेब में से पेन निकाल लिया, अब मैं पेन छीन रहा हूँ, रो रहा है, मुट्ठी बंद कर ली उसने, छीनने नहीं दे रहा, जो जो उससे चिल्ला रहा है। मैंने दूसरी जेब में से चाबी निकाली, चाबी की घंटी सी बजाई मैंने, उसने फौरन चाबी पकड़ ली और पेन छोड़ दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। तो मैंने, आप पेरेंट्स ये भूल गए कि एक टाइम में बच्चों के पास खिलौने होते थे, गेम्स होते थे, इंटरटेनमेंट के बहुत साधन होते थे, हम लोग फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने जाते थे, क्रिकेट खेलते थे। मैंने आप बच्चों को म्यूजिक का शौक होता था तो हम पियानो सीखते थे बजाना, गिटार बजाना सीखते थे, और उसमें बड़े इनग्रॉस हो जाते थे। किस बच्चों को पेंटिंग का शौक होता है तो हम उनको बड़ी सी पेंटिंग किट ला के दे देते थे, तो वो बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स बनाने लगते। तो मैंने, अगर आप ये थोड़ी सी थेरेपी लाओ बच्चों के साथ, तो आपका वो एडिक्शन वाली प्रॉब्लम का अपने आप समाधान निकल आएगा। तो स्क्रीन टाइम कंट्रोल, डिटॉक्स होना, मेंटल हेल्थ का डिटॉक्स होना। ठीक है, सभी लोग कंज्यूम कर रहे हैं इंटरनेट और हमें भी मालूम है हर चीज़ अच्छी नहीं होती है, लेकिन आज मैं थोड़ा समय म्यूजिक पे निकाल लेता हूँ, थोड़े गाने वाने गा लेता हूँ, कुछ आर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर लेता हूँ, कुछ अच्छी किताबें पढ़ लेता हूँ, एंड आई बैलेंस माई ब्रेन। तो जैसे बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है, ऐसे आज ब्रेन को भी रेस्ट की ज़रूरत है, जो शायद हम नहीं दे रहे हैं। हम अपने टाइम में बोर होते थे तो आंखें खोल के सपने सोच रहे होते थे, मेरे पे ऐसी गाड़ी होगी या सब। तो आई यूज टू ट्राई टू वर्क ऑन माई ड्रीम्स। आज हमारे बच्चे का दिमाग खाली नहीं रह पाता है, गाड़ी में मम्मी पापा के साथ जा रहा है, अच्छी ड्राइव है 2 घंटे की, आसपास देखेगा, नेचर देखेगा, कोई नया शहर देखेगा। सो दैट इज द सैड पार्ट। सो आई थिंक स्क्रीन टाइम कंट्रोल नंबर वन, डाइट कंट्रोल, एंड उन बच्चों को अब ट्रेन करो डिजिटल नागरिकता। मतलब हमने बहुत सिखा लिया, हम तो बहुत सिखाते हैं स्कूलों में मॉरल साइंस ये साइंस, अब मेरे बच्चों को आप नर्सरी ग्रेड से सिखाना शुरू करो डिजिटल नागरिकता। ये जरूरी है कि आपको पता हो आप चोरी करोगे, हमें शुरू से सिखाएगा चोरी करना गंदी बात है, गंदे वर्ड बोलने होते हैं, बड़ों का आदर करना होता है। अब आप इंटरनेट के कानून सिखाओ कि भाई किसी को बुली नहीं करते, किसी को गंदे शब्द नहीं बोलते, क्यों पकड़े जाते? डिजिटल फुटप्रिंट कभी मिटता नहीं है। आज मैंने किसी को गंदे शब्द लिख दिए, मैंने बच्चों को उदाहरण दे दे के दिखाए हैं कि जिन्होंने 8वीं 9वीं कक्षा में इंटरनेट पे गलत काम किए, जब 10th में सुधर गए, 11th में सुधर गए, 12th में सुधर गए, 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन होने गया तो कॉलेज में मना कर दिया, बोले हमने गूगल किया तो ये आपके फुटप्रिंट्स मिले, आप इस तरह के हैं, आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं, और हमारे यहाँ मजाक उड़ाने वाले बच्चों के लिए कोई जगह नहीं। वो बच्चा तो घबरा गया, बोले साहब वो गलती तो मैंने 8वीं कक्षा में करी थी। क्यों? क्योंकि इंटरनेट कभी भूलता नहीं है। तो हम बच्चों को ये सिखाएं कि भाई किसी का, अभी जैसे आपने पढ़ा होगा एक दिल्ली में ही घटना घटी थी जहाँ कुछ बच्चों ने एक इंस्टाग्राम बड़ा पॉपुलर है उस पर एक ग्रुप बनाया और बड़ी गंदी गंदी तस्वीरें डाल के बच्चों का मजाक उड़ाया, गंदे शब्दों का प्रयोग किया, मैटर हाईलाइट हो गया और दिल्ली साइबर सेल में केस दर्ज हो गया। ट्रेस किया गया तो सबसे छोटा 15 साल का निकला पुलिस ने, सबसे छोटा जो था, बाकी तो सब 11, 12 सब थे उसमें, करीब 22 बच्चे थे, सबको ट्रेस कर लिया गया, एप्रीहेंड कर लिया गया, पुलिस ने पूछताछ करी और कुछ बच्चों को तो जुवेनाइल होम भी भेजा गया और कुछ लोगों को जुवेनाइल काउंसलिंग सजेस्ट की गई। तो बच्चे ये मीम्स बनाना, बुली करना, फेक आईडी बना दी, गंदे शब्द लिख दिए, वो उसको कॉमन समझ रहे हैं, ये कॉमन नहीं है। अभी आपने पढ़ा होगा दिल्ली पुलिस ने एक 24 साल का बीटेक छात्र पकड़ा जिसने, ये फेमस एक्ट्रेस है रश्मिका, उनका एआई से वीडियो खराब कर दिया था, डीप फेक बनाया, और ये चूंकि अब लाइट वेट हो गया है, गूगल से ढूंढा जा सकता है, तो मेरे बच्चे भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं। अभी कई शिकायतें आई स्कूल में जहां बच्चों की गलत तस्वीर बना दी गई एआई से, बच्चे कर रहे हैं, भाई बच्चे कर नहीं रहे, बच्चों के सामने अगर विज्ञापन आ रहा है कि भाई ये ऐप डाउनलोड करें इससे ये गड़बड़ हो जाता है तो वो करता है,
और करने के लिए वो ट्राई करता है, और ट्राई करने के लिए जैसे ही ट्राई करता है तो फिर वो दिखाता है, ये देख मैंने ये किया, बस वहीं उसने कानून तोड़ दिया। क्योंकि कानून की अगर भाषा पढ़े तो वह साफ लिखा है हूएवर, वहां ये नहीं लिखा है माइनस बच्चा, आईटी एक्ट जिसे हम कहते हैं साइबर लॉ, हूएवर पब्लिश, पब्लिश मतलब पोस्ट, शेयर ट्रांसमिट मतलब फॉरवर्ड, कैप्चर मतलब खींचना, ऐसी कोई तस्वीर जिसमें बॉडी का प्राइवेट पार्ट दिख रहा हो बिना कंसेंट, उसके आगे ये भी लिख दिया विदाउट परमिशन, तो आपको 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना है। और तीनों को है, खींचने वाले को, डालने वाले को, और फॉरवर्ड करने वाले को। तो मेरा एथिक्स ये कहता है कि भगवान ना करे गलती से कोई ऐसी गंदी तस्वीर मेरे पास आ जाए तो मैं उसे किल कर दूंगा, किल मतलब हटा दूंगा, फॉरवर्ड नहीं करूंगा और 4 लोगों को ही दिखाऊंगा, अरे ये देखिए फोटो, गलत है, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो हमें बच्चों को शुरू से डिजिटल नागरिकता के बारे में बताना चाहिए, बहुत जरूरी है सर, क्योंकि जहां आप बोल रहे हैं ये ट्रेंड है बच्चों के बीच, जैसे यू नो ये देख, क्योंकि मैम हम उन्हें डिटॉक्स नहीं कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है मेरी जब हमारा बचपन था, हमने कहीं मूवी में गलत शब्द सुन लिया, गंदी जो गाली जिसे कहते हैं आजकल, और हमने अपने ही छोटे भाई को अपने ही घर के आंगन में वो गाली दी। उधर से हमारी दादी आई गुस्से में, हाथ में चिमटा, उसमें कोयला अंगीठी में से निकाला हुआ, बोले किसने बोला ये वर्ड, और बच्चे घबरा गए हम लोग छोटे छोटे, और बोले मुंह खोलो मुंह खोलो, जीभ पे कोयला, अरे नहीं नहीं दादा गलती हो गई, दादी गलती हो गई, एंड वी रियलाइज दैट वी हैव डन समथिंग वेरी रॉन्ग एट अ वेरी राइट स्टेज। हमें ये डरा दिया गया कि कभी भी ऐसे गलत अपशब्द किसी के लिए नहीं बोलने चाहिए, दैट इज हाउ वी लर्न। अब ठीक है, रियल लाइफ और उसमें बड़ा फर्क है, और आज की जनरेशन में ये फर्क आ जाता है कि भाई पेरेंट्स भी बहुत बिजी हैं और बच्चों को टेक्नोलॉजी से सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, टेक्नोलॉजी से चेक कर रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है, देख रहे हैं बच्चा ठीक है नहीं है, मोबाइल से लोकेशन देख रहे हैं बच्चा घर आ गया नहीं आ गया। तो ऐसे माहौल में पेरेंटल कंट्रोल और बढ़ जाता है, हम उसे कहते हैं नेटिकेट्स, एटिकेट्स नहीं, नेटिकेट्स। और अगर ये स्कूल तो देखो मेहनत कर रहा है, मैं ऐसी इस बात का गवाह मैं हूँ कि मैंने इंडिया में करीब कर लिए 50,000 से ज़्यादा स्कूल, अब तो मैंने गिनना छोड़ दिया है, 2008 से कर रहा हूँ मैं, और हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई स्कूल हमें इनवाइट करता है, स्कूल्स मेहनत कर रहे हैं, अब हमें उसका टेक ओवर चाहिए, और वो टेक ओवर पेरेंट्स कर सकते हैं। पेरेंट्स बच्चों को सही और गलत का फर्क बताएं, पुलिसिंग ना करें, रोके ना, हाँ एज अप्रोप्रिएट कंटेंट, मतलब मेरे हिसाब से 13 से या 14 साल से पहले तो सोशल मीडिया पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। और एक मैं बहुत बड़ा मैसेज पेरेंट्स को आपके थ्रू देना चाहता हूँ, शेयरिंग कम करें, पेरेंटिंग नहीं बोला मैंने, शेयरिंग, शेयरिंग क्या हो रहा है साहब, छोटे छोटे बच्चे आज पैदा हो रहे हैं उनको तो पता भी नहीं है उनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना हुआ है बच्चे का, मम्मी उसकी नैपी से लेके घूमने से लेके चलने से लेके हर तस्वीर उस पर बहुत शौक से डाल रहे हैं। इतना डाटा, इतना डेटा आपने ऑनलाइन एक बच्चे का डाल दिया है कि उस बच्चे का जो बड़ा होगा और वो गूगल पे अपना नाम ढूंढेगा तो आप नहीं सोच सकते उसका कितना डेटा ऑलरेडी इंटरनेट पे है और उसका कोई कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और अब जब हम एआई के खतरे देख रहे हैं, अभी एक घटना घटी है, एक महिला के पास फोन आया कि आपका बेटा किडनैप हो गया है, और पीछे से उसको वही आवाज सुनाई थी जो उसके बेटे की थी, एआई से वॉइस बदल दी। आपने सोशल मीडिया पे ऐसे कई विज्ञापन देखे होंगे कि आज मेरी इच्छा हो रही है कि मुकेश की आवाज में मैं अरिजीत सिंह का गाना सुनूं, आपने देखा जी, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा मजा भी आ रहा है, अरे मेरे फेवरेट सिंगर की आवाज में मैं किसी और फेवरेट सिंगर का। लेकिन अब आप इसका मिसयूज सोच सकते हो कि मैं आपकी आवाज में आपके किसी कोलीग को फोन कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि मैं यहाँ दिल्ली आई थी काम से और मैं फंस गई हूँ, मेरा बटुआ चोरी हो गया, जरा 5,000 रुपए फौरन मेरे खाते में डाल दीजिए। तो ऐसी घटनाएं अब हो रही हैं, एआई का मिसयूज हो रहा है। तो मेरी ये एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि अब एक तो सोशल मीडिया पे प्राइवेसी नाम का वर्ड सीखें, कि अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं और आपका अकाउंट पब्लिक है तो वो कंटेंट पब्लिक के लिए रहने दीजिए, उसमें अपना घर मत लाइए बीच में, अपने बच्चे मत लाइए, उनके खान पान, उन्होंने क्या पहना। और अगर आपको ये सब करना है तो आप अपनी क्लोज्ड कम्युनिटी बनाना सीखिए, सिक्योरिटी सीखिए कि हमारे सारे सोशल मीडिया खातों पे डबल सुरक्षा लगी हुई है, टू स्टेप वेरिफिकेशन है, स्टेप वेरिफिकेशन जरूरी बहुत, व्हाट्सएप हो फेसबुक, क्योंकि आजकल हैकिंग, और हैकिंग ऐसी नहीं हो रही आप पे मैसेज आएगा बकायदा, राविया जी योर पॉडकास्ट दिस इज योर अकाउंट,
हमें पता चला है कि आपने कॉपीराइट का उल्लंघन किया। पहले कॉल आया, मैं अपने फादर के घर पर ही थी और मुझे दो दिन पहले कॉल आया और कहते हैं कि रावे बेटा मैं नील बोल रहा हूँ। हाँ। मेरे फादर सामने बैठे, कह रहे रावे बेटा मैं नील बोल रहा हूँ। मैंने कहा कौन नील? पापा ने दिया, पापा का दोस्त नील, पैसे देने नील, तो वो आपके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं नहीं जानती आपको। तो बोले नहीं नहीं मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, आपको मुझे पैसे नहीं ट्रांसफर करने, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो आप फोन रख दो, मैं मेरे पापा के सारे दोस्तों को जानती हूँ। और मैंने कहा कि नहीं है हमारे कोई फादर वादर, ऐसे कह दिया। तो कहते हैं क्या तू ऊपर से टपकी है? इंस्टाग्राम हैंडल तो मैंने अभी 4 दिन पहले हाथ जोड़ के ये रील डाली है कि इस तरह से पापा के दोस्त के नाम से कॉल आएगा, नकली स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि उनको 15 देने थे, पहले 10 दिए तुम्हें, 5 की जगह 50 दब गया मेरे से गलती से, बेटा जल्दी से 45 वापस कर दे। और वो स्क्रीनशॉट भी फेक होगा और लगेगा बिल्कुल ओरिजिनल जैसे बैंक से आता है, और आपको फोन से वो सोचने नहीं देगा बातें बातें और पापा का नाम। अब ये डेटा कहाँ से आ रहा है उनके पास? ये भी हम ही लोग कहीं ना कहीं डाल रहे हैं। तो इसलिए उसने गलती क्या कर दी, उसने मेरे हस्बैंड का नाम ले लिया। मैं आपके पापा ब्रजेश का उसपे इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, उसपे इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, तो आपको वो क्लिक कर गया। बट स्टिल यू वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर फादर, तो एक बार को आप शायद ट्रैप नहीं होते। लेकिन आप उन बच्चों के बारे में सोचो जो बच्चे बाहर हैं और पेरेंट्स कहीं और हैं, वो बहुत जल्दी ट्रैप हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब इस तरह का हम सिनेरियो आज देख रहे हैं इतने डेटा के साथ, तो पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को कम से कम एक्सपोज करें सोशल मीडिया 13-14 साल से पहले, उनको ना लाएं, डूज एंड डोंट्स बताएं इसके। सर बच्चों को तो पेरेंट्स पैदा होते हैं आजकल फोन दे देते हैं कि खाना नहीं खा रहा है तो सामने रख नहीं देना है। टोटल स्मार्ट डिवाइस नो होना चाहिए बिल्कुल। पेरेंट्स देखिए हम लोग भी बच्चे थे, हम बड़े हुए, हमने वो टाइम निकाला। अब तो बल्कि मैं तो कई बार एयरपोर्ट्स पे जाता हूँ तो वो टॉय शॉप्स देख के बड़ी जेलसी फील होती है। हमारे टाइम में तो वो प्लास्टिक के झुंझुने आते थे, अब के टॉयज देखोगे विद टेक्नोलॉजी दे आर सो एडवांस सो ब्यूटीफुल, हम बच्चों को दे ही नहीं रहे अब खिलौने। अब तो वो बिल्कुल सही कह रहे हो, पैदा होते हाथ में फोन दे दिया वो रोना बंद कर देता है फोन देख के, और यहाँ से फिर गड़बड़, यहाँ से गड़बड़ हो रही है। नहीं साहब डिजिटल, देखिए मेरा मानना ये है कि डिजिटल डाइट आप ही जैसे आज आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि आज आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कई हजारों लोगों में चेंज ला सकते हो जो इसे सुनेंगे, यही तो है ना। तो दैट मीन्स सोशल मीडिया इज अ बिग पावरफुल टूल। आप बता दो आप वहां से बॉम्बे से यहाँ आए हो अभी आप, और आप बताओ कितने अखबार पढ़ लिया आपने रास्ते में जी। और आपको सारा अपडेट मिल गया एक स्क्रीन पे छोटी सी। तो कहने का मतलब अब दिस इज द नेक्स्ट थिंग एंड इफ इट इज देन वी हैव टू मतलब कहीं तो उसको सिक्योर करना है बच्चों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों, और ये हम लोगों का फर्ज होना चाहिए सबका, कि हम एक तो फेक न्यूज को बिल्कुल भी शेयर ना करें और अपनी जो एल्गोरिथम्स हैं टाइमलाइन है उसको नीट एंड क्लीन रखें। मैं एक मैसेज बहुत जरूरी देना चाहता हूँ पेरेंट्स के लिए, अफोर्ड करें कैसे भी करें, अपना एडल्ट फोन बच्चे को कभी ना दें। अभी ये घटना सुनिए, एक बच्चा गेम एडिक्ट था, पिताजी ने अपना फोन दे दिया, उस पर वो गेम खेल रहा था। पिताजी का फोन नहीं है आजकल, मैं इसे फोन नहीं बोलता हूँ, ये वॉलेट है, ये वॉलेट है मेरे। इस समय वॉलेट में 10 का नोट नहीं है और मैं पूरा हिंदुस्तान घूम लूंगा इससे। क्यों? UPI, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मैं एक कचौड़ी समोसे से लेके मैं 5-star होटल का बिल दे सकता हूँ इससे जी। और ये वॉलेट है, और आपने ये वॉलेट एक नाबालिग बच्चे के हाथ में दे दिया जिसके ऊपर उसने गेम डाउनलोड कर लिया जिसमें वो 10 बटन दबा रहा है। 36 लाख रुपए चले गए एक सज्जन के, 36 लाख, ये SFIR दर्ज हुई इनकी। और वो बेचारे माँ बाप हैरान है बुरी तरह। मुंबई में एक घटना घटी थी जहाँ एक 16 साल के बच्चे ने मम्मी के अकाउंट से 10 लाख रुपए खर्च कर दिए थे पबजी गेम के ऊपर। ये अगर आप गूगल करोगे ना तो रोज की 10 खबरें दिखेंगी आपको जी। और एडिक्शन मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल करके देख लो, WHO ने डिक्लेयर कर दिया है कि गेमिंग डिसऑर्डर इज अ मेंटल हेल्थ डिजीज डिक्लेयर्ड एज अ डिजीज अंडर ICD-11 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस 11 के अंदर इसको ऐड कर दिया गया है वर्ड को गेमिंग डिसऑर्डर। और ये कब पता चलता है? अब आजकल के बच्चों से आप गेम खेल रहे हो, फोन छीन के देखो, मना करके देखो, ऐसा लगता है ICU पेशेंट का ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया हो जाते हैं। तो ये रेड फ्लैग्स हैं, ये रेड फ्लैग्स हैं जहाँ पेरेंट्स को सोचना चाहिए। तो मैं देखिए फिर मेरी पॉडकास्ट का गलत मतलब ना निकालें, मैं बच्चों को गेम के लिए मना नहीं कर रहा,
मैं कह रहा हूँ स्क्रीन टाइम कंट्रोल्ड होना चाहिए. गेमिंग इज एन काइंड ऑफ एन एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट की एक सीमा होती है. पढ़ाई का समय होता है, गेम का समय होता है, रेस्ट करने का समय होता है. तो एक इससे क्या देख रहा हूँ कि बच्चे रात रात भर गेम खेल रहे हैं, दैट इज स्कैरी. मुझे एक बड़ा प्रोफेशनल गेमर मिला अभी एक कार्यक्रम में. बोले रक्षित सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बच्चों से ये कहते हो वो कहते हो. बोले मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ जिसे सुन के मैं डर गया था. मैं तो प्रोफेशनल गेमर हूँ, जहाँ भी मैं दो तीन दिन लगातार खेल लेता हूँ गेम्स तो मैं उसके बाद डिटॉक्स हो जाता हूँ. मैं घूमने जाता हूँ, पहाड़ों पर जाता हूँ, म्यूजिक करता हूँ, राइडिंग करता हूँ, सब करता हूँ और फिर लौट के गेम पर आ जाता हूँ. मैं अभी गेम खेल रहा था और मेरा गेम था करीब 24-25 घंटे का. मैंने देखा एक 13 साल का बच्चा मेरे साथ 24 घंटे तक ऑनलाइन रहा उस गेम में. 13 साल का बच्चा. तो मैं डर गया देख के कि ये स्कूल नहीं गया, रात को सोया नहीं और ये पूरे टाइम गेम पे था. तो ये जो बातें मैं सुन रहा हूँ तो ये उन पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ. आपने बहुत अच्छा वाईफाई लगा दिया, आपने बच्चे को फोन और आईपैड अपना खुद का दे दिया, लेकिन कोई पेरेंटल कंट्रोल नहीं है. आपको तो पता भी नहीं, आप तो थक के अपने कमरे में सो गए, वो पूरी रात ऑनलाइन है और फिर अगले दिन स्कूल में जाके सो रहा है वो. तो ना तो वो ठीक से पढ़ाई कर रहा है और ना सोने से जो उसकी हेल्थ को नुकसान हो रहा है कि बॉडी को तो रेस्ट ही नहीं मिला, मेटाबॉलिज्म को आपने रेस्ट नहीं दिया जी. तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि गेम का स्क्रीन टाइम कंट्रोल हो, एज एप्रोप्रिएट कंटेंट हो. ये पेरेंट देख ले कि भाई मेरा बच्चा वो गेम खेल रहा है जो उसमें लिखा हुआ है 11+, 10+. और तीसरा उन्हें ये सेंसिटाइज करें कि भाई गेम आप अननोन लोगों के साथ भी खेल लें, लेकिन उनसे दोस्ती और रिश्तेदारी ना बनाएं. उनको ये ना बताएं मैं कौन, मम्मी कौन, पापा कौन, कहाँ रहते हैं, कौन सी गाड़ी है. और बच्चे इनोसेंट होते हैं. और एक सोशल मीडिया ने नई मुसीबत पैदा कर दी है, शो ऑफ. शो ऑफ करना है, अरे मेरे पास तो BMW है, पापा तो GLA वो चलाते हैं, मर्सिडीज. नहीं साहब, हम नहीं जानते, आप तो इनोसेंट है, पता नहीं आप ये किससे बता रहे हैं. तो अनवांटेड जो अननोन लोग हैं उनके साथ गेम खेला, गेम से बाहर आ गए, नो पर्सनल कम्युनिकेशन एंड नो क्लिकिंग ऑन लिंक्स. ये लोग ऐसे लिंक्स बना लिए, ऐसा ट्रोजन वायरस बना लिए कि आपका माइक और कैमरा तक हैक कर लेते हैं. अच्छा भाई, आप पता नहीं कैसे भूल गए. आपको याद है गेम ने बड़ा परेशान किया था पूरे वर्ल्ड, ब्लू वेल क्या था जी? इट वाज अ सुसाइडल गेम. है ना, एक साइकोपैथ ने बनाया था और वो उससे बच्चे जो हैं गलत गलत हरकतें कर रहे थे. और ये बहुत पुरानी खबर है, अब तो खत्म हो गया वो. जी. तो आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ऐसे टूल्स हैं जो आपको मेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. अभी तीन घटनाएं सुनिए. बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के डीप फेक वीडियो बनाए गए जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैंने 10,000 लगाए थे, मेरे 3 लाख हो गए. ठीक है, ये देख के हजारों लोगों के करोड़ों रुपए चले गए. वर्क फ्रॉम होम का एक नया फ्रॉड चल रहा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, आप 10,000 लगाइए, वो उसी समय आपको 800 रुपए दे देते हैं, फिर 1200 दे देते हैं, फिर 2000 दे देते हैं, और जैसे ही दे देते हैं एक्चुअल देते हैं तो वो लग गया ना, तो लोगों को खुश हो गए. और फिर जैसे ही स्टेक भरी विड्रॉ नहीं करने देते हैं, और फिर क्या कहते हैं, ये विड्रॉ करने तो ये और लगाओ, ये विड्रॉ करने तो ये और लगाओ, और फिर वो अमाउंट जो है खतरनाक बढ़ता चला जाता है और फिर आदमी टूट जाता है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब ये बड़े बड़े एडल्ट्स के साथ इस तरह की इन्फ्लुएंशियल चीजें हो रही हैं तो क्या मेरा बच्चा इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता जी. तो गेम में पाबंदी रखें टाइम की, एज अप्रोप्रिएट हो, डिसिप्लिन हो, और अगर थोड़ा ज्यादा भी खेल लिया तो डिटॉक्स का तरीका हो. मैं तो बच्चे से कहता हूँ 2 घंटे गेम खेला, बोले हाँ पापा, 4 घंटे बाहर क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग या बास्केटबॉल, पसीना आना चाहिए, जाइए 4 घंटे खेल के आ जाइए. तो व्हाट आई हैव डन एक्चुअली, ही उसी का फायदा हो रहा है, उसको मजा भी आ रहा है गेम खेलने में. ये नहीं कि मैं जबरदस्ती खिलवा रहा हूँ उससे, लेकिन उससे क्या हो रहा है, उसने अपने सारा जो कंटेंट अंदर गया था उसको फ्लश कर लिया. इट्स अ डीटॉक्स मेंटल. आप हम तो मुझसे पूछिए, आप पता नहीं आपके साथ ये एक्सपीरियंस होता है कि नहीं. मेरा जो साइबर क्राइम का एंगेजमेंट है लॉ एनफोर्समेंट के साथ, बच्चों मेरे पास एवरी मिनट इज अ कंप्लेंट. जी. आज अगर हम सुबह से बात करें तो मेरे पास एक ऑनलाइन अभी आया बरेली से फोन, जब मैं वॉक करके आपके पास आ रहा था. सो आई गॉट अ कॉल, ही हैज लॉस्ट 2 लाख रुपीस. सुबह किसका आया था, कोई कॉल आया था, हाँ, इंस्टाग्राम पे किसी की फेक आईडी बना दी है, उस पर गंदा गंदा डाल दिया है, वो बच्चा बहुत परेशान है. एक आया लेडी का कि मेरे बच्चे का एक गलत जगह फोटो और विज्ञापन बना के डाल दिया. तो ये जो फॉर्म्स ऑफ साइबर बुलिंग है, रिवेंज लेना, मेंटली किसी को हर्ट करना. जब आप साइबर बुलिंग की बात करते हैं, बच्चे क्यों कर रहे हैं, बच्चे ही करते हैं, उसी एज के बच्चे करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस बात का शिकार होते हैं. आज बच्चे देखिए,
सोशल मीडिया ना आपकी एस्टीम को बड़ा खड़बड़ कर देता है। बच्चा, छोटा सा बच्चा मुझसे रो के कह रहा है, सर मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैंने, क्यों बेटा, आप तो अभी सिक्स्थ क्लास में हो, छोटे से हो। बोले सर मैंने इंस्टा पे फोटो डाली थी, मेरी फोटो पे सिर्फ 4 लाइक्स आए। ना दिस इज़ अ रॉन्ग मैसेज गोइंग टू माई चिल्ड्रन। आई थिंक आई यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो बुली भी वही करता है जिसके साथ कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज होते हैं, या ओवर इन्फ्लुएंस हो जाता है कंटेंट से। आजकल वो ना रोस्टिंग, ट्रोलिंग, ये वर्ड सुने, 16 साल के अभी एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। वो क्वियर है बच्चा, ही इज अ क्वियर, ही पोस्ट अभी रिसेंटली, ही पोस्टेड, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ही पोस्टेड अ फोटो इन सारी और समथिंग, 4,000+ हेट कमेंट्स। आप मैम, आज मेरे बच्चों को और पेरेंट्स को भी सुनना चाहिए ये वर्ड। हम लोगों को अब अपने अंदर शॉक एब्जॉर्बर लगवाने हैं। अगर आपको इंटरनेट और सोशल मीडिया पे जाना है, मैं अंग्रेजी वर्ड बोल रहा हूँ, साइबर रेजिलियंस चाहिए अब हमको। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, अपने पोस्ट वोस्ट डालता हूँ, हमेशा अच्छे कमेंट्स नहीं आते, लेकिन अगर एक बुरा कमेंट आता है तो मैं उससे डिस्टर्ब नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो शॉक एब्जॉर्बर है। कई बच्चों में नहीं है, पेशेंस टॉलरेंस लेवल बहुत कम है। अब आप सोचिए, वो बच्चा टूट गया 4,000 कमेंट्स पढ़ के और उसने अपनी जान ले ली। तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी स्कैरी है। तो अब हमें इंटरनेट के साथ साथ बच्चों के शॉक एब्जॉर्बर्स भी तैयार करने हैं, और वो ऑनलाइन नहीं हो सकते, वो आपको रियल लाइफ में करने पड़ेंगे। रेजिलियंस देनी पड़ेगी कि एवरी डे इज़ नॉट गुड डे। अब आप इतने अच्छे पॉडकास्ट बनाते हो और कोई मान लीजिए ट्रोल कर दे या गलत कमेंट डाल दे, तो आपको डिस्टर्ब करता है कि नहीं करता है? फॉर अ सेकंड करेगा, ह्यूमन नेचर है हमारा। ठीक है, हम उसे डिलीट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ये हम करते हैं। मैंने 2-3 लोगों की बातें सुनी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक शाहरुख खान साहब की बात सुनी इसके बारे में, एक बहुत अच्छी अदाकारा है ऋचा चड्ढा जी, उनकी बात सुनी और उनका जो एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि भाई कोई भी चिंटू पिंटू कहीं बैठ के मुंह छुपा के हमारे को कमेंट करता है, भाई उसके कहने पे थोड़ी मैं काम कर रही हूँ। तो आई थिंक वो एटीट्यूड अब हम लोगों में इनहेरिट, क्योंकि देखिए साइबर बुली गलत है, इलीगल भी है, कई जगह ऑफेंसिव भी है, एक्सट्रीम्स होती है। लेकिन बच्चों में भी अब एक रेजिलियंस होनी चाहिए। यू शुड नो 3 things: 1, हाउ टू ब्लॉक; 2, हाउ टू रिपोर्ट। देर इज अ स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। आज सुबह की घटना है, मैंने एक गलत वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे। मैं एक अच्छा नागरिक भी हूं, तो उसको कहते हैं अच्छा नेटिजन। अगर मैं वो वीडियो रिपोर्ट नहीं करता तो वो हटता नहीं। मैं आपको अभी दिखा सकता हूं अपने फोन पे, आप चाहें तो शूट कर लें इसे, कि मेरे पास मैसेज आ गया थैंक यू का, इंस्टाग्राम ने थैंक यू, वी हैव रिमूव्ड दैट वीडियो। मैंने गलत रिपोर्ट नहीं किया, वो चीज होनी नहीं चाहिए थी, और वो उसमें सेल्फ हार्म था, उसमें वॉयलेंस और अग्रेशन था। मैंने, अगर इस तरह के वीडियोस मेरे बच्चे देखेंगे तो उनका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। तो कहीं भी, मतलब यू हैव टू लर्न दिस। आप ब्लेम कर दो इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, ट्विटर को कि साहब इस पर गंदी चीज़ें, तो यार अब मैं उस दिन अपनी सोसाइटी की बात करूँ, मैं जा रहा था, छोटे छोटे बच्चे आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं, वो आते चॉकलेट का रैपर उसका, अब वो सुबह जो क्लीनर्स है वो तो काम करके चले गए। मुझे अपनी सोसाइटी अच्छी नहीं लगी, मैंने फौरन अपने हाथ से पिक किया, जो साइड में डस्टबिन रखा होता है मैंने डाल दिया। इट्स माय सोसाइटी, ये मेरी फीलिंग थी। ये मेरा इंटरनेट है बच्चों, आपका इंटरनेट है, आपको भी अच्छा नहीं लगता कि कोई, और हमारे यहाँ उल्टा होता है। देखो वायरल होता क्या है, जब आप लोग फॉरवर्ड करते हो, जब आप लोग लाइक। मैंने बच्चों को यही सिखाया। आज मैं क्लास में पढ़ता हूँ, मेरे एक फ्रेंड ने मेरा मजाक उड़ा दिया, बॉडी शेमिंग कर दी कि गलत फोटो डाल दी। मेरे स्कूल में 2,000 बच्चा है, किसी ने भी लाइक नहीं किया, किसी ने भी कमेंट नहीं किया। तो क्या पूरे स्कूल को पता भी चलेगा कि किसी ने फोटो डाली है? नहीं। लेकिन मुझे तकलीफ कब पहुंचेगी, जब वही फोटो 400 लोग शेयर कर दें और 400 लोग रीशेयर कर दें और कमेंट कर दें। तो अगर हर बच्चे के अंदर ये है तो साइबर बुलिंग आपके साथ हो ही नहीं सकती। कोई करके अपना ये सिर फोड़ के चला जाएगा। तो यू शुड नो हाउ टू रिपोर्ट कंटेंट। एंड अब तो भारत सरकार ने जो नया कानून बनाया है 2023 वाला, उसमें इन सारे इंटरमीडियरी से कह दिया है, आप अपना एक ग्रीवियंस ऑफिसर बना के उसका नाम पता डाल दीजिए और उसको 15 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है यूजर की। आप लिखिए आपके साथ कोई प्रॉब्लम है और वो नहीं रिपोर्ट हो रहा है, तो आप लिखिए, दे विल टेक केयर ऑफ इट। बट सर, आपको क्यों लगता है बच्चे आजकल प्रेडेटर्स बनते जा रहे हैं? Children themselves are turning into. मैंने आपको शुरू में ही बोला। No, जैसे आप deepfake की बात कर रहे थे, है ना? जब हम deepfake की भी बात करते हैं, schools में आए आजकल बहुत हो रहा है, या आपके पास भी कई सारी complaints आती होगी, I'm sure. Schools में हो रहा है, colleges में हो रहा है,
तो छोटे से छोटे बच्चे को मतलब कितनी जल्दी इंगेज हो रहे हैं ये सारे कंटेंट के साथ? दो रीजन है मैम, एक तो कंटेंट ओवर पावर कर रहा है बच्चों को क्योंकि उनका टाइम बहुत स्पेंड हो रहा है उस पर, तो इट इज़ निगेटिंग जो मतलब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं 8 घंटे स्कूल में पढ़वा रहे हैं वो उस 6 घंटे के कंटेंट से निगेट हुए जा रहा है क्योंकि वो जो 6 घंटे गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो या तो अच्छी रील्स देख रहे हो आप, अच्छा वीडियोज़ देख रहे हो, वेल एंड गुड, तो बच्चे आप देखिए स्मार्ट भी निकल रहे हैं। मेरे बच्चे कितने अच्छे अच्छे बच्चों को मैं जानता हूँ जिन्होंने इसी यूट्यूब से हैकिंग सीख के हीरो बन गए, कोडिंग सीख के प्रोग्राम बना दिया और MUN में कुछ करके आ गए। मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ सम ऑल ऑफ माय चिल्ड्रन बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट, इंटरनेट इज मेकिंग देम स्मार्ट। सो देर आर सम केसेस जहाँ पे बच्चा नेगेटिव हो जाता है और उसका एक और रीज़न है, दो चीज़ें, संस्कार और ई संस्कार। अब इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। नेटिकेट्स घर से आते हैं, नेटिकेट्स घर से आते हैं। इफ एट होम आई एम रिस्पेक्टिंग माई वाइफ एंड डॉटर एंड आई एम गिविंग देम फुल रिस्पेक्ट एंड लव एंड अफेक्शन, so it goes down to my children also. Now the moment they say, the moment they see that I am not respecting women, I am demeaning them at home, so the child also learns that. तो मैं बचपन से देखा पापा बड़े लोगों के पैर छूते हैं जब बचपन छोटे से थे, तो वो इनबिल्ट हो गया ना, जिसे कहते हैं डिफॉल्ट सेटिंग होती है हम लोगों की कि अब मेरे घर में कोई भी बुजुर्ग या बड़े आते हैं और क्या मुझे कहीं भी दिख जाते हैं अपनी सोच, तो मेरा हाथ पैरों की तरफ चला जाता है ऑटोमेटिकली। सो आई थिंक बच्चों में भी वो होता है, तो आई थिंक दिस कैन बी इम्प्रूव्ड एंड स्कूल्स आर डूइंग अ लॉट। लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम, लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम काम कर रही है एंड स्कूल्स, आई हैव बीन एंगेज्ड विद सो मेनी स्कूल्स एंड आई रियली अप्रिशिएट देयर वर्क टू काउंटर दिस। और अब उन्होंने क्या, अब देखो हर आदमी गलती से सीखता है, हमने जो 5 साल 6 साल पहले इश्यूज देख लिए बच्चों के, अब वो मैं उसको इन लोगों के साथ लेके आ रहा हूँ नीचे। मतलब अब मैं देख रहा हूँ कि स्कूल में बच्चों के साथ फर्स्ट ग्रेड से मेहनत हो रही है, नर्सरी में उनको ये वैल्यूज दी जा रही हैं, तो दिस आई थिंक विल चेंज एंड चेंज हम ही लोगों से आता है। सो वी शुड नॉट बी वेरी नेगेटिव अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट येस आई थिंक अ लॉट ऑफ बुलिंग हैज बीन कंट्रोल्ड। अब मैं जब स्कूलों में बुलिंग की बात करता हूँ, मेरा बच्चा सेंसिटाइज है, वो जानता है कि, और कुछ है हर जगह नोटोरियस एलिमेंट्स रहते हैं, तो वो फिर अब कानून भी है और अभी जैसे कुछ एक्शंस लिए भी हैं स्कूल्स ने, तो उन्होंने अपने क्लब्स बना दिए हैं, साइबर क्लब्स बना दिए हैं वो बच्चे, एंटी बुलिंग स्क्वाड करके बना दिया है जी। तो यू कैन रीच आउट, यू नो वेयर टू टेक हेल्प फ्रॉम जी जी। सो कैन यू शेड सम लाइट ऑन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है डार्क वेब के थ्रू, और इसे कैसे कॉम्बैट किया जाए? अभी रिसेंटली आप देखा CBI ने काफ़ी जगह रेड्स मारी हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सी सैम, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूसिव मटेरियल। हमारी जीरो टॉलरेंस है कानून में भी और वैसे भी सारी कंपनीज में भी। हाँ ये एक समस्या रही है, सेल्फ जनरेटेड कंटेंट भी बहुत है, मतलब खुद बच्चा क्रिएट कर रहा है अपना कंटेंट, गलत कंटेंट। उसका दो रीजंस मैं समझता हूँ, एक गलत कंटेंट पे एक्सपोज होना जो उनको ये आइडियाज़ देता है, दूसरा हमने इनको सब्जेक्ट को टाबू बना के रखा हुआ है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। और अब चूंकि इतना एक्सपोजर है टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का, हर तरह का कंटेंट है, OTT पे भी हर तरह का बोल्ड कंटेंट है, सो दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। सो आई थिंक नाउ वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वी आर वोकल अबाउट इट, चिल्ड्रन आर कमिंग आउट वोकल, तो इससे मैं समझता हूँ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ प्रेडेटर्स हैं जो बच्चों से पहले दोस्ती करते हैं, उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट फील कराते हैं, उनको बहुत पैम्पर करते हैं और उसके बाद उनसे रिलेशनशिप के नाम पे गलत तस्वीरों का आदान प्रदान करने को कहते हैं। शुरू में उनको लगता है ये तो सब वर्चुअल है, मुझे तो फिजिकली आपने टच ही नहीं किया, आप तो कहीं और हूँ, मैं कहीं और हूँ, आपने तो सिर्फ अपना फेस छुपा के कुछ गलत सा भेज दिया। लेकिन बाद में फिर वो एक्सप्लॉयटेशन, ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन शुरू बढ़ता जा रहा है सर, बहुत बढ़ रहा है। और डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे यही सब हो रहा है, सीसैम बहुत है, गलत सब्सटेंस जो होता है ड्रग्स उसका बहुत इस्तेमाल है, टेररिस्ट का वो एरिया है जहाँ पे वो रिक्रूट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और डार्क वेब चूंकि एक एनोनिमस इंटरनेट है, वो ट्रेसेबल नहीं होता है, ट्रैकेबल नहीं है, तो उस वजह से ये वहाँ पे ज़्यादा होता है।
और मुझे डर तब लगता है जब बच्चे मुझसे स्कूलों में इसके बारे में सवाल पूछने लगते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो है और इंटरनेट अब जिस तरह का ओपन मीडियम है, हर तरह के पॉडकास्ट हैं, वहाँ तो लोग डार्क वेब तक सिखा रहे हैं लोगों को इंटरनेट पे। तो मैं एज ए एक्सपर्ट विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 30 ईयर्स, आई वुड से नाउ 19 ईयर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपीरियंस, मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि एक प्रॉपर एज पे ही इसके बारे में जानना चाहिए, नंबर एक, जब आप में अंदर खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, नंबर दो, और तीसरा, बिना एक्सपर्ट, एथिकल एक्सपर्ट के गाइडेंस के आपको टच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जब आप टच भी करते हो ना तो यू आर इनवाइटिंग अ वेरी सीरियस वायरस इन योर डिवाइस और वो फिर आपकी सारी जानकारी गायब कर देते हैं, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और हाँ, मैं आई एम सॉरी टू से कि इसका एक्सपोजर आ रहा है लोगों में, तो इट इज़ नाउ नेसेसरी टू वी टॉक अबाउट इट। सीबीआई ने इंडिया के अंदर एक स्पेशल यूनिट बनाई जी। हो गए 3-4 साल हो गए और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, ऐसे कई गलत लोगों को जो बच्चों की गलत तस्वीरें रखते हैं, फॉरवर्ड करते हैं या उसका बिजनेस करते हैं, मतलब बेचते हैं, उनको धड़ दबोचा है और बहुत सफाई करी है सीबीआई की, अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे। और ये मैं आपको आईडब्ल्यूएफ, एक संस्था है, इंटरनेट वॉच फाउंडेशन, उनके आंकड़े बता रहा हूँ कि पोस्ट कोविड इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है बच्चों के साथ। तो एक ऐप, चैटिंग ऐप आते हैं एनोनिमस, जैसे डिस्कॉर्ड है और गेम्स हैं, इस पर ये प्रेडेटर्स पहुँच जाते हैं। हमारा ह्यूमन नेचर है, अगर कोई मुझसे प्यार से बात कर ले, मुझे अच्छी से बात करके पैम्पर कर दे, मुझे अच्छा लगता है, रिस्पॉन्ड टू इट। बच्चे नहीं समझते हैं, अब मेरे से कोई बात कर रहा है क्यूट गर्ल, स्वीट गर्ल, एंजल के नाम से, वो बाद में पीछे खुद देखा तो पता चला 60 साल के कोई रमेश बाबू बैठे। तो अब हम तो इस बात को, इंटरनेट को कब से देखते हैं, बच्चा नहीं समझता है, बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, अरे इस आईडी ने मेरी हर फोटो लाइक करी, दिस आर कॉल्ड स्टॉकर्स, योर आईज आर ब्यूटिफुल, एक कमेंट डाल दिया। अच्छा, अब रियल लाइफ में अगर आप किसी को गलत लव्स में बोल दें तो आपको चप्पल भी पड़ जाती है पब्लिक स्पेस में। अब इंटरनेट आपको दूसरी चीज़ सिखा रहा है, अगर आप फोटो पे हार्ट आ जाए बना हुआ और आपके नीचे लिखा आ जाए यू लुकिंग HAWTTTTT, तो वहाँ थैंक यू आ जाता है बड़ा सा, आप समझ रहे हो। सोशल मीडिया से साइकोलॉजी का चेंज देखना आप, रियल लाइफ में आप बोलो ये वाला शब्द किसी को, भाई साहब वही सैंडल पड़ जाएगी मुंह को, और इंटरनेट पे डाल दो तो वहाँ थैंक यू मुआ 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 मुआ, भाई साहब आग लग रही है आजकल तो, फोटो के नीचे फायर लग जाती है। तो ये साइकोलॉजिकल है और ये बच्चे उस साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते प्रेडेटर की, और वहीं वो शिकार हो जाते। मैं एक ही शब्द बोलूंगा, कभी भी अपनी कोई ऐसी गलत तस्वीर ना तो खींचे और ना कहीं इंटरनेट, मोबाइल, क्लाउड पे रखें और ना किसी को दें, क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता है। और जब ये छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजी में बोलते हैं ना आई एम इन अ रिलेशनशिप, तो मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक शब्द आना चाहिए इस उम्र में, उसे कहते हैं फ्रेंडशिप, जो कि नहीं हो रहा है जी। और ये जो नेक्स्ट लेवल पे वो जा रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इंटरनेट इज नॉट अ स्पेस फॉर एक्सपेरिमेंट, इंटरनेट एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है जी। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि आप असल जिंदगी में एक ऐसी सुनसान सड़क पे घूमने चले गए जहां आपको ये नहीं पता कि आप जा कर रहे हैं और वहां कौन लोग बैठे हैं। तो नहीं, बच्चों को ये बिल्कुल रिस्क, और इसमें मैं चाहता हूं पेरेंट्स इस सब्जेक्ट को जो टाबू बना के रखे अब ना रखें, दे शुड टॉक अबाउट इट, उनकी बैड गुड टच, बैड टच, सेक्सुअल हैबिट्स, और इवन मतलब टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, कि आप होता है, इट्स नेचुरल, नाउ थिंग्स यू गेट अट्रैक्टेड, बट देन यू शुड नो व्हाट आर द लाइंस, पीपल आर नॉट, दे डोंट रियलाइज इट, और फिर आते रोते हुए, और उसमें लास्ट लाइन में भी लिखा होता है प्लीज डोंट टेल इट टू आवर पेरेंट्स, मैं ये कर लूंगी, मैं कूद जाऊंगी अगर मेरी फोटो वायरल होगी, अरे मैंने बच्चे तू मत कूद का, तो तेरी कोई फोटो वायरल नहीं हो रही। तो देखो अब जैसे कुछ हम लोगों ने, अरे बहुत बच्चे बेवकूफियां करते हैं, किसी ने किसी को, अब तो इंटरनेट तो एक सेकंड में हटा देता है, आते हैं खूब आते हैं, ब्लैकमेल कर रहा है कोई, ये कर रहा है, बताते नहीं है, बट एंड देन आई टीच देम हाउ कैन यू रिमूव इट। मैं आपको भी बता देता हूँ, एक बहुत बड़ा एक सेंटर है नेकमैक, नेशनल एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसिंग सेंटर फॉर चिल्ड्रन करके, उन्होंने एक पोर्टल बनाया जिसपे आप ऐसी गलत तस्वीरों को बंद करा सकते हैं इंटरनेट पे, बच्चों की गलत तस्वीरें, एनीथिंग बिलो 18, तो उसको उन्होंने कहा टेक इट डाउन,
take it down. So there is a portal. You अब वो आपसे फोटो नहीं मांगते. फोटो से वो उसका डीएनए ले लेते हैं. We call it hash value. It is called hash value. और वो उसको blacklist कर देते हैं. So there are some initiatives being taken. और एक और अच्छी बात बताऊँ. ये जितने social media platform हैं, अगर इस पे कहीं CSAM है, it has to be removed immediately. Not one day, two day, three day. Immediately. The point is report it. प्रीडेटर्स रिपोर्ट करिए. और अब एआई का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है इसमें. तो एआई से अब ये लोग ऐसे प्रीडेटर्स को जैसे ही देखते हैं उसकी लैंग्वेज, भाई एआई तो ट्रेन हो जाता है ना, एआई को ट्रेन कर दिया कि अगर ये वाले वर्ड्स हैं, ये वाले शब्द हैं, फट से ब्लॉक करो. तो हो रहा है, a lot of things are happening in this direction. सर लेकिन अब जैसे मेरा सवाल आपने अभी बताया है कि किस तरह के से आपके पास कंप्लेंट्स आती है. मान लीजिए किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ है या किसी लड़के के साथ हुआ है, nowadays it's very common. तो हम कैसे बचे, because ultimately everyone cannot reach you. How should we block? How should we remove those pictures? Okay, so for removing the picture, the portal is takeitdown.nacmec.org. आप Google पे take it down nacmec डालेंगे, आपको ये लिंक मिल जाएगा. भारत सरकार का अपना पोर्टल है cybercrime.gov.in. आप इस पे जाएं, इस पे महिला और बच्चों के लिए अलग से बटन बना हुआ है रिपोर्ट करने का. और उसमें ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है रिपोर्ट एनोनिमसली. आप इस तरह का कंटेंट इमीडिएट रिपोर्ट करें, रिपोर्टिंग से डरे ना. इवन पेरेंट्स को भी, ये जो सोचते हैं ये होगा नाम खराब, अरे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, ये पोर्टल बहुत इफेक्टिव है हमारा. इसी पोर्टल में अब हमने एक नया अभी लॉन्च हुआ है चक्षु करके, मतलब संचारसाथी.gov.in. ये जो फ्रॉड कॉल्स आपने कल बताया ना, आया आपको सुन लिया, आप तो समझदार थे, आप बच गए. अब आप एज अ गुड सिटीजन क्या कर सकते हैं, चक्षु पे ये नंबर रिपोर्ट कर दीजिए. ये आगे के लिए फ्लैग हो जाएगा. उससे क्या होगा, आप तो बच गए, आप समझदार थे, दूसरा फंस सकता है. वो फंस जाएगा अपने पापा का नाम सुन के और पति का नाम सुन के, और वो पैसे वैसे ट्रांसफर कर देगा, बेचारे का नुकसान हो जाएगा. तो भारत सरकार ने ये पोर्टल बनाया है चक्षु, भारत सरकार ने cybercrime.gov.in बनाया है और एक नंबर बनाया है 1930. अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड किसी के साथ हो जाए, विद इन गोल्डन आवर, हम कहते हैं पहले 24 घंटे के अंदर आप इस नंबर पे कॉल करके सूचना दे दीजिए, तो पूरी उम्मीद है कि आपका नुकसान हुआ है वो बच सकता है. इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, इन सब के रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स हैं. वहीं कंटेंट को रिपोर्ट करिए. उसमें कैटेगरी है, ये न्यूडिटी है, ये बच्चे को इन्वॉल्व करता है, ये फेक आईडी है, ये मेरी नकल बना रहा है. और ब्लॉक का इस्तेमाल करिए, घबराइए मत, उस आदमी को ब्लॉक कर दीजिए. कम्युनिकेट मत करिए, इंगेज मत करिए. जो डर आता है ना, मत करो मेरी फोटो, अरे जब मैंने कोई गलती नहीं करी, ही इज रॉन्ग, रिपोर्ट हिम, डोंट गेट स्केयर्ड. आजकल मालूम है आपके साथ एक और बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मना कर दिया, राबिया नो इंस्टाग्राम, नो आईडी. अब राविया इस बच्चा, आज का बच्चा, वो स्कूल जाता है, वो उसकी सारे फ्रेंड्स उसमें, तो उसमें एक पीयर प्रेशर आता है. अब वो क्या करे, मम्मी पापा तो मना है, तो वो बेचारा छुप के एक फेक आईडी बना लेता है. मम्मी पापा को बताए नहीं, उस पर वो दोस्ती भी करता है, फोटोज भी डालता है, और वहां वो ट्रैप हो जाता है. और जैसे ही वो ट्रैप होता है, अब वो डरता है, मम्मी पापा को बता नहीं सकते क्योंकि उन्होंने तो मना किया था, तो बहुत स्ट्रिक्ट है. तो वो उस ब्लैकमेलर के उस छोटे से और बड़े से वेब में फंसने लगता है, उसे कहीं से मदद नहीं मिलती है बेचारे को. ऐसे मैंने बहुत गड़बड़ियां देखी हैं. सो मैंने छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जो स्नैपचैट पे हैं. नहीं है, मेरी डॉटर के रोकना पड़ेगा, ये यहाँ गलत हो रहा है. वही मैंने आते ही कहा ना, एज मतलब आप पढ़ो उस पे, ये जितने सोशल मीडिया साइट है सब पे 13+ लिखा है. जी. तो 9 और 8 साल का बच्चा कैसे जा सकता है भाई, और अगर जा रहा है तो ये मम्मी पापा की गलती है. सर उसमें क्या था कि स्नैपचैट मेरे पास है और वो मेरे एक मतलब मेरे दोस्त का जो फोन नंबर है उसकी बेटी ने उसी से लॉगिन किया हुआ है. अब हुआ ये कि मैं देख रही हूँ कि व्हाई यू नो दैट नेम इज कमिंग, मेरे फ्रेंड का नंबर पे आ रहा है, क्यों आ रहा है. जब देखा मैंने तो उस लड़की ने डाला आई एम फीलिंग बोर्ड, बेड पे लेट के आई एम फीलिंग बोर्ड. नेक्स्ट पिक्चर कट टू आता है, गाइस डू यू नो व्हाई आई एम फीलिंग बोर्ड, बिकॉज मेरी मम्मी यूके से आने वाली थी और यू नो ऐसा हुआ उसके साथ, ये हुआ, शी वाज गोइंग टू ब्रिंग अ बैग, पूरी कथा उसने लिखी. उसके थर्ड स्नैप में स्टोरी दिस इज स्कैरी एक डाला कि प्लीज गाइस टॉक टू मी आई एम डिप्रेस्ड. बच्चे को डिप्रेस का मतलब अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम कहते हैं राबिया इसको, और ये बहुत स्कैरी है. इंटरनेट बहुत पैदा कर रहा है मेरे बच्चों में अटेंशन
सीकिंग सिंड्रोम नहीं खत्म की, पेरेंट्स को पता ही नहीं है। मैंने आपको शुरू में एक लाइन बोली, पेरेंट्स अपना फोन बच्चे को नहीं देंगे, हमेशा चाइल्ड डिवाइस रखिए। सर अगर पेरेंट्स को बोलने भी जाते हैं दे फील बैड अबाउट इट, बिकॉज़ आज एजुकेशन तो अब स्कूल से जा रही है, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा सोने का, मैंने सोने का बच्चा पैदा किया है और मैं जो करता हूँ मैं देख लूंगा अपने बच्चे को कैसे बोलना है क्या बोलना है। I will not take any advice from anyone. We are doing technology parenting sessions exclusively now. Parents, age respect करो, एज से पहले सोशल मीडिया, और ये जो अपने नंबर्स आप देते हो, अपना फ़ोन देते हो, आप एक अडल्ट हो, मैं एक अडल्ट हूँ, मैं हर तरह का कंटेंट देखता हूँ, और अगर यही फ़ोन मैंने घर जाके दे दिया तो इसकी जो हिस्ट्री है, यूट्यूब हिस्ट्री है, वो सब अडल्ट है, बच्चा एक्सपोज होगा ही होगा, अनवांटेडली एक्सपोज हो जाएगा। अगर आपके पास बच्चों के लिए चाइल्ड डिवाइस रखो, एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर भी आता है छोटे बच्चों के लिए, गूगल फैमिली लिंक, अब वो डाउनलोड करके रखो, उससे आपसे स्क्रीन टाइम वगैरह सब कंट्रोल हो जाता है। पेरेंट आप कहीं भी बैठे हो, आप पे मैसेज आएगा कि आपका बेटा ये गेम डाउनलोड कर रहा है, अलाउ डोंट अलाउ। आपने कहा नहीं ये तो गलत गेम है, आपने डोंट अलाउ कर दिया, तो गूगल एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, यू नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर इट। लोगों को पता नहीं है ना सर, पेरेंटल कंट्रोल कहते हैं, ऐसे ही आप इस पे भी कर सकते हो अपने स्मार्ट टीवी पे, ये तो पता है, बट और लिंक के बारे में नहीं पता। पेरेंट्स को ये भी पता होना चाहिए कि अपने घरों के और बच्चों के स्मार्ट टीवी पे अपनी पर्सनल आईडी से साइन इन ना करें जो आपके फोन में साइन इन है, क्योंकि मैं जो यूट्यूब पे कंटेंट देखता हूं उसकी हिस्ट्री अलग होनी चाहिए, और जो घर में मेरे बच्चे यूट्यूब पढ़ा हुआ है वो अलग होना चाहिए, वरना बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब मैं क्राइम में ठहरा, मैं क्राइम का ब्रांच के साथ हूँ, साइबर क्राइम के साथ हूँ, मुझे हर तरह का कंटेंट देखना पड़ता है, और मेरा बच्चा घर पे इनोसेंट है, वो उसी यूट्यूब पे अपना सर्च करने जाता है तो पता चला मेरी जो एल्गोरिथम और हिस्ट्री वो वहाँ दिखाने लगता है। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि भाई तुम एडल्ट हो तो अपना एडल्ट फोन एक छोटे बच्चे को मत दो, उसके लिए एक चाइल्ड डिवाइस रखो, उस आईडी पे कंट्रोल अपना रखो, सो दैट कि आप बस मॉनिटर कर सको। मैं पुलिसिंग नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जा रहे, नहीं। तो कम्युनिकेशन हैज टू बी इफेक्टिव विद चिल्ड्रन, स्कूल्स आर डूइंग देयर जॉब, यू शुड कैरी इट ओवर, एंड प्लीज डिजिटल नागरिकता, साइबर हाइजीन और नेटिकेट जैसे शब्दों को फोकस करिए, तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी और बच्चा भी खुश रहेगा और पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। जी 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 सर, एंड में वी हैव वन मोर क्वेश्चन कि आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आपने पूरे पॉडकास्ट में एडवाइस दिया है, बट वन इम्पॉर्टेंट यू नो टिप जिस आपको डर लगता है कि ये हो ना जाए और बच्चों ने नहीं करना चाहिए, फॉर पेरेंट्स ऑल्सो एंड फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। बच्चों स्ट्रेंजर्स के साथ एंगेज नहीं करना चाहिए, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन किसी के साथ रिवील नहीं करनी चाहिए, और ऐसा कोई डिजिटल फुटप्रिंट मत बनाइए जिसे बाद में देख के आपको शर्म आए और एम्बैरेसमेंट हो। आप किसी का मजाक उड़ा देते हो, किसी को गलत शब्द बोल देते हो, दिक्कत ये है कि आप मुंह से बोल देते हो वो सुन के चला जाता है, लेकिन जब आप इसे लिख देते हो चैट पे या मेल पे या कमेंट पे, वो हमेशा ज़िंदा रहता है, उसकी 10 स्क्रीनशॉट्स बन जाते हैं, उसकी 10 बैकअप्स बन जाते हैं, एंड दैट बिकम्स कैरी। तो अपने सारे जो अकाउंट्स बनाओ उस पर 2-step वेरीफिकेशन रखो, प्राइवेसी रखो, किसी अनजान आदमी से इंगेज मत करो, गेम्स खेलो, एज अप्रोप्रिएट गेम्स खेलो। फ्रेंड्स अगर आपको ऐड करना चाहते हैं तो पहले उनकी आईडी वेरीफाई करो, आपको मुझे ऐड करना है, मैंने कहा माय आईडी इज rakshit.tandon, अब आप जाओ आप चेक करो rakshit.tandon है, आप उसके साथ गेम खेलो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और गेम का जो मैक्सिमम पीरियड है ना, दैट शुड नॉट बी एक्सीडिंग मोर देन 35-40 minutes इन अ डे, उससे ज़्यादा जा रहा है तो मतलब आप हल्के हल्के एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, एडिक्शन इज़ बैड। हाँ आपका वीकेंड ऑफ है, आपने थोड़ा ज़्यादा देर खेल लिया तो उस दिन ज़्यादा देर आप बाहर जाके एक्सरसाइज करो, साइकिलिंग करो, बास्केटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, पैर से उंगली से नहीं, फीफा पे नहीं। तो आई एम हैप्पी। और बच्चों बस इस बात का ध्यान रखो कि देखो गलत कंटेंट तो आएगा, यू शुड नो हाउ टू ब्लॉक इट, यू शुड नो हाउ टू अवॉइड इट, एंड योर एथिक्स शुड बी स्ट्रांग। यू माइट गेट एक्सीडेंटली कि कुछ गलत देख लिया, गाली गलौज सुन ली, या किसी को ट्रोल करते हुए देख लिया, आपको पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। तो आई थिंक एवरीबडी हैज अ विन विन सिचुएशन, पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। और कई बार हम बच्चे ये शिकायत करते हैं पेरेंट्स समझते नहीं है, तो बच्चों देखो एक बात और याद रखना, बड़ी से बड़ी गलती हो जाए ऑनलाइन छुपाना मत पे।
पेरेंट्स से, पेरेंट्स को बता दो थोड़ी सी पिटाई शिटाई होगी, दो तीन गुलाब जामुन बनेंगे, यहाँ पे कमरे में दो दिन बंद रहोगे, लेकिन तीसरे दिन यही मम्मी गोदी में बिठा के दवाई भी खिलाएंगी और खाना भी खिलाएंगी। दुनिया का कोई आदमी तुम्हें छू नहीं सकता, लेकिन अगर तुमने मम्मा पापा से छुपाया तो बाहर की दुनिया में तुम्हें कोई शरीफ नहीं मिलेगा, वहाँ वुल्फ्स मिलेंगे जो खा सकते हैं तुम्हें। तो ये जो ब्लैकमेलिंग वर्ड शुरू होता है, ये इसीलिए शुरू होता है क्योंकि आप किसी चीज को छुपा रहे होते हो। तो बच्चों होती है गलतियां यार, मतलब अब ऑनलाइन हो तो ये गलतियां होंगी, आई नो ये होंगी, आप रोक नहीं पाएंगे, कई बार इतना सब सुनने के बाद भी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन डरिएगा मत। आज हमारे पास फ्रेमवर्क है, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा साइबर क्राइम का ये वेबसाइट है, आप रिपोर्ट करिए और पेरेंट्स से शेयर करिए, उनकी गलती हो गई ठीक है, दे विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। सो आई थिंक दिस इज माय वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल द चिल्ड्रन। एंड द लास्ट लाइन जो मेरी वेबसाइट पे भी लिखी हुई है, वर्चुअल वर्ल्ड इज नॉट अ गेम, इट्स योर लाइफ, स्टे सेफ। जी स्टे सेफ। सो थैंक यू रक्षित जी, थैंक यू, आप सो मच कीमती समय निकाल के आए। ऑडियंस के लिए मैं ये कहूँगी कि आज का पूरा एपिसोड देखिए, पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रक्षित जी ने कहा सेफ रहिए, साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, और जिस तरह साइबर बुली हो रहे हैं आप बच्चों से भी कोई भी गलती हो जाए प्लीज़ रीच आउट टू योर पेरेंट्स फर्स्ट। जब भी आप किसी यू नो क्राइम का या बुली का शिकार होते, रीच आउट टू योर पेरेंट्स फर्स्ट। Thank you again. Stay safe.